ने काफी ज्यादा एज लिया इसी वक्फ बोर्ड को चलाने के लिए और बाद में वो नेशनल कॉन्फ्रेंस बन गई। आप पर भी ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि आप इसी पर सियासत कर रहे हैं और आप ये एज ले रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? मगर किस पे एज ले रहे हूँ, कौन सी सियासत? वक्फ है, वक्फ की जमीन या वक्फ में जितने भी अभी तो ये तो आप भाइयों को बताना चाहूंगी, हमने पहली बार ही कहा जब वक्फ बोर्ड, जो कश्मीर वक्फ बोर्ड नए सिरे से बना, ना इसमें कोई सियासत आड़े आएगी, ना ये सियासत का मैदान है, ना ये सियासत का अखाड़ा है, ये सिर्फ वक्फ है, वक्फ अमानत है, ये उन वलियों की, उन अवलियाओं की अमानत है जिन्होंने ये वक्फ कर दी थी, और उन बुजुर्गों की अमानत है जिन्होंने वक्फ की, ये किसी सियासतदान की ये न मिल्कियत है, ना इस पे कोई सियासत कर सकता है। अब जिसको जो कहना है वो कहे, लेकिन तो पास्ट में भी सियासत खेली गई है वो तो देखिए, जो पास्ट है आज भी इस तरह का माहौल जो है वो आपको लगता है कहीं पे सियासत इस पे है? वक्फ को फ़आल बनाने की जो हम कोशिश कर रहे हैं वो करेंगे और इंशाअल्लाह ताला आखिरी दम तक करते रहेंगे। सियासत जो है, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा क्योंकि आपने छोटे छोटे जो मुलाजिम हैं, जो मुंतजमीन है वहाँ पर, उनके खिलाफ तो कार्रवाई की, लेकिन जो बड़े बड़े एसेट होल्डर्स हैं यहाँ पर, कितने एसेट्स हैं वक्फ के पास वो आप थोड़ा सा बताएंगे हमें, और कितने एम्प्लॉयज़ हैं वो आप बताएंगे, उनके खिलाफ क्या आपने कोई कार्रवाई की? आपको ये सबको मालूम होना चाहिए, आपके जरिए से आपने अच्छा सवाल किया। जब तक आप सवाल नहीं करेंगे लोगों को जवाब पता नहीं चलेगा, और हम इसकी हमेशा इसी के तलबगार रहते हैं कि आपकी ज़ुबान से ऐसे सवाल आए और हम जवाबदेह बन सके। जवाब ये है कि वक्फ में जितने भी मुलाजमीन हैं वो सारे उसी ज़माने के लगे हुए हैं जिस ज़माने में वक्फ बोर्ड बना हुआ है, हम उनसे ही काम ले रहे हैं। हमारे वक्त में ना कोई नया मुलाजिम आएगा अभी, ना हम उस कोशिश में हैं कि हमें इसको इंडस्ट्री बनाना है। और रही एसेटों की बात, आज की डेट में लोग वक्फ करना चाहते हैं फिर से, क्योंकि एतबार फिर से बढ़ गया है। लोगों ने जो एसेट, जो पॉलिटिकल यानी सियासत की नज़र हो गया था वक्फ, उसको हम सियासत से बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं, उस शेडो से बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो इबादत गाहें हैं वो सिर्फ इबादत के लिए मखसूस रहें, जो दरगाहें हैं वो दरगाहें मखसूस रहें, सियासत से बाहर रहें, ये हमारा काम है। बाकी इस पे जो इल्ज़ाम लगाने वाले हैं वो इल्ज़ाम तराशी तब भी करते रहे, अब भी करते रहेंगे। हम तनकीद बराए तामीर के लिए तैयार हैं, तनकीद बराए तनकीद के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि हम इस मैदान को कांटों से साफ करना चाहते हैं। एम्प्लॉयज़ अभी फीड कर रही है वक्फ बोर्ड? यहाँ तो 1250 है।